our children. देखो तुम दोनों के एग्जाम का डेट्स आ गया है. 1 वीक बाद तुम दोनों का एग्जाम है. तो आप लोगों का सारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है ना, अच्छे से पढ़ाई हो गई है ना. अब टीवी देखना कम करो और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि एग्जाम के वक्त आपको पढ़ाई का टेंशन ना हो. ओके है, इस स्टोरी में ये भी टाइम को इम्पोर्टेंस सीखने वाली है. जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो. चलो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होगा. मम्मी मेरा सब कुछ हो गया, बस मेरा रिवीजन बाकी है. हाँ मम्मा, पता है कि एग्जाम्स आ रही है लेकिन 1 वीक बाकी है. मैं कर लूंगी. अभी तक पढ़ने नहीं गई? हाँ हाँ मम्मा, पढ़ लूंगी. मम्मा तो जब देखो बोलते रहती है पढ़ो 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 पढ़ो. मैं एक दिन में सब कर लूंगी. करते करते कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा ना. और अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर लोगी तो एग्जाम के बाद प्रेशर नहीं रहेगा ना बेटा. हाँ हाँ मम्मा, पढ़ लूंगी. शिट. वाह, मेरा फेवरेट सीरियल. आज का दिन भी पीहू ने टीवी देखने में ही निकाल दिया. वारू देखो ना, टीवी में बहुत ही फनी सीरियल आ रहा है. चलो हम दोनों साथ में बैठ के देखते हैं. नहीं, मुझे आगे पढ़ाई करनी. जाओ, मैं एंजॉय करी. अभी भी पीहू टीवी देखने में ही बिजी है. उसने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया. और दूसरी तरफ वाणी समय से अपनी एग्जाम की पूरी तैयारी कर रही है. तो कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम की तैयारी, पूरी हो गई? मम्मा भी तो एक पूरा दिन बाकी है ना, मैं रात को कर लूंगी. अभी मुझे खेलना है. मैं कैसे अपनी सारी एग्जाम्स की तैयारी कर लेती हूँ. ये तो मैंने जब से पढ़ाया उसके बाद तो ये चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं, ये भी नहीं. मैं क्या करूँ, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ. स्टैंड वाचक क्रिया विशेषण, ये तो मैम जब पढ़ा रही थी तब मैं सो गई थी. आगे ऐसे ही कुछ याद करती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ. मैथ्स, मैथ्स तो बहुत इजी है. इसके तो मुझे किसी भी चैप्टर का मेथड ही समझ में नहीं आया. मैं अपने कल के एग्जाम में क्या करूंगी, क्या लिखूंगी पेपर में. ओह नो, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो लाइक करके जरूर बताना. अरे यार, अब मैं मम्मा को कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गई. काश कि मैंने उनकी बात मानकर समय से पढ़ाई की होती तो मेरे अच्छे नंबर आते. अरे आज तो तुम दोनों का रिजल्ट था ना, रिजल्ट दिखाओ. बेटा अब समझ आया आपको कि अपना सारा काम समय पर करना कितना जरूरी है. अगर आप भी पढ़ाई करते तो आज आप भी अपनी छोटी बहन की तरह पास हो जाते.
हमने स्टोरी से सीखा कि हमें अपना सारा काम टाइम पर करना कितना जरूरी है, बिकॉज टाइम इज मनी। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।